हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए रेस गुर्रम मूवी के इंटरवल सीन का रिएक्शन। एंड रेस गुर्रम मूवी जो है उसका हमने एक सीन देखा हुआ, उसका एक्चुअली प्राइमर सीन ही देखा हुआ मैंने और समन ने, और वो धमाकेदार था। एंड लाइक उसमें अलग ही एक्शन थी। तो उस टाइम वही था कि हमारे पहले के सीन जो थे वो ब्लॉक में थे, अभी ब्लॉक हो चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं समर को दिखाया जाए। एंड साथ में मेनली ये है कि लाइक ये बहुत कमाल की मूवी है, लाइक अल्लू अर्जुन की मतलब टॉप मूवीज में से आती है। एंड अभी जो है काफ़ी सारे हिंदी ऑडियंस जो है वो देखना चाह रहे हैं अल्लू अर्जुन की हॉरर मूवीज, ये क्या करते थे कैसे करते थे, तो उनके मन में एक्साइटमेंट है, तो फिर ये देखते हैं। यस, हमने इसका जो एक सीन देखा था वो ब्रह्मानंदन सर के साथ था, है ना? और वो सीन किल बिल पांडे, तो वो सीन देखने में काफी मजा आई थी। लाइक एक बार इन्होंने बताया कि वो सीन हमने देखा था, मुझे पूरा याद आ गया कि यस, क्योंकि इनके सीन लाइक भूलने वाले होते नहीं है अल्लू अर्जुन के और काफी कुछ लोगों के, तो सारे सीन याद रहते हैं। और फिर इनकी मूवी भी इतनी इंटरेस्टिंग थी। लाइक मैंने तो सिर्फ क्लाइमेक्स ही देखा था, बट वो ही इतना इंटरेस्टिंग लगा था। तो अब देखते हैं कि अब ये इंटरवल सीन है ना, तो देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। वही तो काफी कमाल करते, फिर आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ऐसा चाहिए होता है कोई ना कोई, वरना सारे खड़े ही रहेंगे, तो कोई पीछे होता ही नहीं है। तो उसी गाड़ी ले गए पुलिस वाले, ही गाड़ी ले गए। अल्लू अर्जुन ओ भाई, और वो अपनी शक्ल भी छुपा रहे। होगा क्या ये समझ नहीं आ रहा। ये लगता है वो एसीपी को मारने के लिए आए थे, क्योंकि ये लोग कैसे मार रहे हैं। माय गॉड, अबे खाई देख के ना कूद जाते ना, बचते नहीं ना, खाई देख के कूदने का बहुत मन है। इन लोगों को लग रहा है उन्होंने मार दिया उनको। एविडेंस हो, हाँ वो जो उसको वो जो सूटकेस था वो फेंक रहे थे। वो गिरा भी बॉल के जैसे। अरे कह भी रहे हम आपको नहीं माना चाहते। पल कुटर रहा मैं बोलने वोरे नहीं लगा रखा है, ऐसे भी राम गढ़ सब दबा। अब तो और गुस्सा आएगा लगता है, ऐसे भी राम गढ़ मतलब इन और गुस्सा मने बट इतने सारे लोगों ने मार खा ली। कुर्ते हट्टे कट्टे डर रहे हैं। कैसे खून के निशान है नहीं गले में,
सोच रहे यही सब उनके साथ होता। And he might not have been that lucky. वो तो जा सकता। पहले वो डंडे से मार दे, अब वो सरिये से मारेंगे। कैसे बीजेम चेंज हो रहा है? ओ उसी की रैली में और वही ट्रक से जिस ट्रक से उनको मारे सारे बट निकल सर के बल गिरेंगे। वो अभी भी रोटेट कर रहे हैं। सही है यार। सब चीजें स्लोमो में। और उनके सारे सपोर्टर्स जो हैं वो पैदल आ रहे हैं। माय गॉड, ऐसे बाइक से करना मुश्किल है, ये ट्रक से कर रहे हैं। आगे जाके पीछे वाले चंपारण को टावरा नॉमिनेशन बनने जा रहा था बेचारा। लास्ट डे पे इसने कोई काम नहीं करते। ये क्या है? केबल जोरदार। नहीं करने का था। अरे वो भाग गए। भेजना है ना? उसे जाना है, नॉमिनेशन फाइल करना है। भाई तुम्हें मुझे बस उसे भेजना था। ये तो गाड़ी ऊपर चले गए वापिस। ओ अच्छा था ऊपर से बैठ के सब साइड से निकले। वो तेरी उफ। ओ अच्छा केबल इनके पास है लास्ट। सही है यार। ये होटल डूबो। नाम नहीं चली टाइम बहुत अंदर ना उतर रहा। वैसे तो मारने के बिना उनको बोल देते भाई तुम्हारा आदमी मेन आदमी मेरे पास है मैं उसको खत्म कर दूँगा सीधा ही बोल देता। वो रुक ही जाते चेले चपाटे हैं ना सारे। बंदे की जिंदगी जा रही है पर उसको नॉमिनेशन की पड़ी है। ओ ये सही था। विक्रम बेताल वाले खिलाड़ी।
अरे ननी चंपल कुटा रे पश्चिम गए ये रे मां नके चरकले कपटन प्राणाल तो दलेस्तानो पतेकी पोया निन्नो दलनरा अरे बचने की ट्राई कर फिनिश्ड खून बह रहा है, कैसे बचेंगे? पर क्या इंटरवल किया रे? मारपीट में इंटरेस्ट हो गया फुल, ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे किस तरीके से मारा गया। और वैसे देखा जाए तो इतना ज्यादा मारपीट भी नहीं था, पूरा एक्शन दिखाया गया था। लाइक वो जैसे कार वाला तो कह रही है एंड बाकी सारे बस एक स्टेटमेंट था कि भाई मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा। एंड वो स्टार्ट कहाँ से हुआ कि एक नॉर्मल से उन्होंने अपनी भाई की कार चोरी की एंड उससे फिर ये सारा स्पाइरल डाउन हुआ। वो मस्त पार्ट था कि जब उन्होंने ये इमेजिन किया कि मेरा भाई यहाँ होता तो क्या, मेरे को तब पता चला कि ओके वो इनके भाई थे भाई। और उससे एक पता आपको रियलाइज होता है, लाइक आप भी अपने सोचो कि लाइक अभी मैं यहाँ गया और मेरा अगर कोई आने वाला था तो कैसा होता, उसको शायद हालत खराब होती, ये हो जाता। तो सेम वही रियलाइज करा, तो वो मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी। एंड उसके बाद उनका फिर वो गुस्सा पूरा जस्टिफाई हो रहा है कि लाइक वो वहाँ सरिया निकाल रहे हैं और उनको दबा दबा के मार रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं। एंड फिर लास्ट में जो उन्होंने शिवा रेड्डी के साथ किया, यहाँ पर ये था कि लाइक ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती अगर यहीं मार देते वो, पर उनको था कि नहीं तूने मेरे भाई को नहीं मारा इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। और वो भी बंदा मान नहीं रहा है, वो फिर भी घमंड में ही था कि नहीं तेरे को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तू है कौन ये कौन। लेकिन हाँ, मतलब इस पोजीशन में आके भी उल्टे लटके हुए खाई के ऊपर तब भी वो ईगो एटीट्यूड नहीं जा रहा है सही में। इसके बाद फिर जो क्लाइमेक्स हुआ ना वो समझ आता कि लाइक पूरा वर्थ इट था, उसको पूरा पहले लुटवाया है पूरी हालत खराब किया और फिर उसका उसको मारता। बहुत सही सीन लगा। आप लोग कैसे लगा जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।